हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में जो हमारा सेशन चल रहा था राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लोक प्रशासन में, बीए थर्ड ईयर के लोक प्रशासन के अंतर्गत दोस्तों हमारा ये 8वां लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों संगठन, संगठन के बारे में, अर्थात संगठन का अर्थ देखेंगे, अर्थ परिभाषा और विशेषताओं को दोस्तों हम इस आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 9 होगा, जो उसमें हम बात करेंगे संगठन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, और शुरू करें दोस्तों उससे पहले मैं उन सभी दोस्तों को जो हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, जो हमारे क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं, उन सबको बताना चाहता हूं कि दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, लोधाजी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर, हम बीए के सभी सब्जेक्टों को आपके सिलेबस के अनुसार पूरे विस्तार पूर्वक लेकर आते हैं दोस्तों, जिसमें कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक टॉपिक को पूरे फुल डिटेल के साथ में कंप्लीट कराया जाता है दोस्तों। तो कंप्लीट बीए विद नोट्स, पूरे नोट्स के साथ में दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए दोस्तों व्हाट्सएप कॉल और टेलीग्राम की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम से आप हमारे सभी क्लास नोट्स भी डाउनलोड करके अपने अध्ययन को और बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों। इन सब के अलावा जो अभी तक YouTube पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, एक ऐसी फैसिलिटी हम आपके लिए इस दोस्तों इस प्रकार से लेकर आए हैं कि सिर्फ बीए को ही हम ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि दोस्तों अब आप बीए के साथ में यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर पाएंगे दोस्तों। जिस प्रकार से हम आपको टॉपिक फुल लेंथ के साथ में प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमारा पूरा प्रयास होता है दोस्तों कि उसे पूरे यूपीएससी के दृष्टिकोण से उस टॉपिक को कवर किया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। दोस्तों शुरुआत करें सेशन की, उससे पहले एक बात और बता दूं, जिन दोस्तों को हमारे लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, कहते हैं कि सर इसका अगला पार्ट हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट के माध्यम से पूछा जाता है कि सर इसका अगला पार्ट दीजिए, अगला पार्ट नहीं मिल रहा, तो उन सभी दोस्तों को बता दूं कि दोस्तों आप जो है, आप लोगों के लिए हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, सभी विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट दोस्तों आपको जो है हमारे चैनल के अंदर मिल जाएगी, जहां से आप अपने सभी लेक्चरों को क्रम अनुसार देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, यहां से आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, और टेलीग्राम पर दोस्तों लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप मिल जाएगा, जिसे ज्वाइन करके आप हमारे सभी लेक्चरों की डेली अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ में हमारे क्लास नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ये दोस्तों आपको जो डिस्प्ले हो रही है, ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है, चाहे तो आप इस लिंक को कॉपी करके भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें दोस्तों अभी ये हमारी सेकंड यूनिट हो रही है। फर्स्ट यूनिट हमारी दोस्तों अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों, या हमारे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से भी आप जो है इसकी फर्स्ट यूनिट के सभी चैप्टरों को, सभी पार्ट्स को देख सकते हैं दोस्तों। सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक है हमारा संगठन के सिद्धांत। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत ये संगठन के सिद्धांत वाला जो टॉपिक है, इसे हम दो लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संगठन को, हम बेसिकली जानेंगे सामान्य अर्थों में कि संगठन किसे कहते हैं, उसका अर्थ समझेंगे, और संगठन की आखिर जरूरत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, इन पर हमारा एक प्रयास होगा, एक फोकस करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम दोस्तों हमारी व्याख्या से, अर्थात कि हमारे इस पूरे लेक्चर का आज का सारांश क्या है, ये देखेंगे सबसे पहले। तो इस पूरे लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे संगठन, संगठन के बारे में दोस्तों। संगठन को हम 5 पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, यहां पर 5 पॉइंटों के माध्यम से, जिसमें सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे संगठन का अर्थ। दरअसल संगठन के सिद्धांतों पर डायरेक्टली मूव करने से पहले दोस्तों हमें इसको एक सामान्यता, एक व्यवहारिक रूप से जानना होगा कि संगठन होता क्या है। बेसिकली तो दोस्तों आप सभी जानते हैं संगठन क्या होता है, इसका सामान्य अर्थ तो लगभग सभी जानते हैं, परंतु जब उसकी बात आती है कि एग्जाम में आंसर राइटिंग के तहत लिखना क्या है, उसकी परिभाषा किस, उसको किस प्रकार से परिभाषित करें, तो दोस्तों हमारे साथ में एक समस्या हो जाती है, और इसी कारण से मैं आपको इन 5 पॉइंटों के माध्यम से संगठन को पूरी तरह आपके माइंड में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगठन का अर्थ, उसके बाद देखेंगे इसकी परिभाषा, और फिर देखेंगे किन किन आधारों पर इसको संगठित किया जाता है या इसकी विशेषता है, और लास्ट में देखेंगे दोस्तों हम कि लोक प्रशासन में आखिर संगठन को पढ़ा क्यों जाता है, उसका लोक प्रशासन में महत्व क्या है।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन करके इनको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संगठन का अर्थ। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए संगठन का अर्थ बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है संगठन को लेकर के, बिल्कुल उसका अर्थ वही होता है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम यह हो जाती है कि इसको परिभाषित कैसे करें। तो दोस्तों परिभाषित भी हम करेंगे आगे, परिभाषा के अंतर्गत, इस अर्थ के अंतर्गत हम उसको पूरा समझेंगे। और जैसे जैसे हमारे पांचों पॉइंट कंप्लीट होंगे, आपके दिमाग में ये पूरा कंसेप्ट, संगठन वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि संगठन, संगठन होता क्या है? दोस्तों संगठन ज्यादा कुछ नहीं, अगर व्यवहारिक रूप से हम इसकी बात करें तो संगठन सिर्फ कुछ व्यक्तियों का समूह है, कुछ व्यक्तियों का एक समूह है जो कि एक संगठित होता है, योजनाबद्ध ढंग से संगठित होता है, मतलब कि व्यवस्थित रूप से संगठित होता है। एक कार्य, एक विशेष कार्य को करने के लिए कुछ लोग संगठित होते हैं, एकत्र होते हैं और वो उस कार्य को पूरे व्यवस्थित रूप से, पूरे नियम कायदों के साथ में उस कार्य को संपन्न करते हैं, उसी को हम संगठन कहते हैं। तो उसी संगठन पर हमारी यहाँ चर्चा हो रही है। तो दोस्तों इसको हम थ्योरेटिकल पार्ट के अनुसार अगर देखने की कोशिश करें तो इसको कह सकते हैं कि संगठन कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करना ही संगठन है। किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना ही, किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना ही दोस्तों यहां संगठन कहलाता है। ठीक है, तो कार्य आरंभ करने से पहले उसे पूरी तरह से नियोजित करना, नियोजित मतलब समझ रहे ना, प्रबंधित करना, प्रबंधित मतलब मैनेज करना। तो कोई भी कार्य होता है, देखिए जब भी कोई संगठन बनता है कुछ व्यक्तियों का, तो संगठन बनता है किसी कार्य को करने के लिए, तो उस कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी निकल जाती है, पूरी डिटेल ली जाती है। डिटेल लेने के बाद दोस्तों उससे संबंधित कुछ प्लान बनाए जाते हैं, योजना बनाई जाती है। तो इस प्रकार से उन नियमों के अनुसार, उन योजनाओं के अनुसार ही उस पूरे कार्य को करने से पहले ही नियोजित कर लिया जाता है। ठीक है, तो यही संगठन की विशेष तत्व होता है। तो प्रशासन में संगठन शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, अर्थात कि जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमारा अर्थ हो गया था व्यवहारिक रूप से कि कुछ का किसी कार्य को करने के लिए कुछ व्यक्तियों का संगठित तो हो जाना ही संगठन है, जो कि एक व्यवस्थित रूप से, एक योजनाबद्ध ढंग से एक कार्य को करने के लिए उससे पहले ही उसकी योजना तैयार कर ली जाती है। ये तो एक इसका व्यवहारिक पक्ष हो जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि प्रशासन में इसका अर्थ कैसे लिया जाए, अर्थात प्रशासन में इसको किन शब्दों के हिसाब से जाना जाता है, क्या अर्थ होता है प्रशासन में, तो प्रशासन में लोक प्रशासन की अगर हम बात करें या प्रशासन की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें संगठन को दो अर्थों में जाना जाता है। वो दो अर्थ कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ये रहे आपके सामने दो अर्थ। इन दो अर्थों के नाम से ही ये प्रशासन में जाना जाता है। जैसे कि संगठन ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो औपचारिक संबंधों द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, औपचारिक संबंधों, मतलब कि जो ऑफिशियल कॉन्टेक्ट होते हैं, ऑफिशियल जो कॉन्टेक्ट होते हैं दोस्तों, उसे को हम कह सकते हैं कि औपचारिक संबंधों के द्वारा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। समझिए दोस्तों यहां पर एक शब्दावलियों को पकड़ना कि संगठन मतलब ऐसे व्यक्तियों का एक समूह जो औपचारिक संबंधों के द्वारा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किसकी पूर्ति के लिए, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब कुछ व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, समूह में एकत्रित होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो वो एक संस्था बन जाती है और उनका संगठित रूप से एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को हम कहते हैं कि उस पूरे समूह का उद्देश्य अर्थात संस्था का उद्देश्य। तो उस पूरी संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए औपचारिक संबंध बना करके वो कार्य करते हैं, वो पूरा प्रयत्न करते हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। और दूसरे अर्थ में अगर हम देखें तो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना, यहाँ पर दोस्तों क्या गया, निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना, अर्थात जब व्यक्ति संगठित होने से पहले, अर्थात जब प्रशासन के अंदर दोस्तों कुछ लोगों का एक समूह बनाया जाता है, कुछ अधिकारियों का या कुछ कर्मचारियों का एक पूरा एक समूह बनाया जाता है किसी कार्य विशेष को, किसी विशेष टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वहां कहा जाता है कि निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऐसा समूह बनाया जाता है ना। और उसके अंतर्गत क्या होता है कि अलग अलग कर्मचारी या अलग अलग अधिकारियों को दोस्तों कार्य करने के लिए अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है। ठीक है ना, जो पूरा समूह होता है उस पूरे समूह को फिर अलग अलग कार्यों, मतलब कार्य की कैटेगरी के अनुसार उनको अलग अलग कार्यों के लिए बांट दिया जाता है। तो अतः प्रक्रिया के अनुरूप ही कर्मचारियों को कार्य हेतु आवश्यक अधिकार और उत्तरदायित्व दिया जाता है। तो सिंपल सा अर्थ यहाँ पर यही कहने का हो गया दोस्तों कि जो पूरा प्रशासन के अंतर्गत जो पूरा एक समूह होता है व्यक्तियों का, उस पूरे समूह को छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में, अर्थात कार्य के हिसाब से, काम के हिसाब से, काम की कैटेगरी के हिसाब से उनको बांट दिया जाता है और उस कार्य।
के हिसाब से ही उनको अधिकार दे दिए जाते हैं और जो है उत्तरदायित्व दे दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में अगर हम बात करें दोस्तों संक्षेप में इसको इस पर बात करें, संक्षेप में इसको अगर देखें दोस्तों तो संगठन में, संगठन से तात्पर्य ऐसी कार्य योजना से है जिसमें एक समूह अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करता है या सारी शक्तियां लगा देता है, ठीक है। तो जो हमने व्यवहारिक रूप से बात की है दोस्तों ये पूरा का पूरा वही आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ दोस्तों? तो संगठन का अर्थ क्लियर हो पाया आपको, व्यवहारिक अर्थ क्या है इसका और प्रशासनिक अर्थ क्या है, दोनों बे में समझ चुके हैं आप। व्यवहारिक अर्थ आप समझ ही चुके हैं, है ना, कि किसी कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो विशेष कार्य को करने के लिए संगठित तो होता है और योजना पर ढंग से कार्य करता है और कार्य करने के पहले ही उसे पूरी योजनाओं के साथ में उसको नियोजित कर लिया जाता है, ठीक है। और जब हम प्रशासन की बात करें तो उसमें प्रशासन के अंतर्गत ऐसा होता है कि कुछ लोगों का समूह जो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। और एक दूसरा अर्थ में ये निकल जाता है कि प्रशासन के जो कुछ अधिकारी और कर्मचारियों का एक समूह बना दिया जाता है और उस समूह को भी अलग अलग व्यक्तियों को या कर्मचारी या अधिकारियों को उनके कार्यों के हिसाब से उनको अधिकार और उत्तरदायित्व दे दिया जाता है, उसके अनुसार वो अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। तो ऊपर वाले इसके अंतर्गत दोस्तों अगर हम नंबर एक में बात करें तो इसके अंतर्गत यहां पर दोस्तों समूह के रूप में पूरी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए, क्यों? क्योंकि उनको संस्था ने पहले ही जो है छोटे छोटे कार्यों के हिसाब से उनको कार्यों की कैटेगरी के अनुसार उनको कार्य दे दिया है और वो कार्य उनको पूरा करना है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों। अब हम इसका देखेंगे परिभाषाएं। परिभाषाओं के अंतर्गत दोस्तों कुछ परिभाषाएं हमारे कुछ विद्वानों ने दी हुई है, है ना। प्रशासनिक विद्वानों ने कुछ परिभाषा दी है, जैसे कि ग्लेडन साहब ने कहा है कि संगठन से तात्पर्य किसी उद्यम में लगे हुए, उद्यम मतलब व्यापार, बिजनेस, उद्योग, ठीक है, उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों के स्पष्ट संबंधों की इसी प्रकृति बनाना जो उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके। मतलब कुल मिलाकर उनका कहना भी यही है कि संगठन का मतलब एक किसी उद्योग में लगे हुए कुछ व्यक्तियों का एक स्पष्ट संबंधों के साथ में एक ऐसी प्रकृति उनके अंदर डाल देना जिससे कि वो उस उद्यम जिसमें वो कार्य कर रहे हैं उसके लक्ष्यों को, उसके उद्देश्यों को पूरा कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट है आर सी डेविस साहब ने कहा है कि संगठन, आर सी डेविस साहब ने कहा है कि संगठन मूल्य तथा व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक नेता के निर्देशन में सहयोग करता है, ठीक है, एकदम सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों। नेक्स्ट है वाइट के अनुसार, वाइट साहब का कहना है कि संगठन का अर्थ कर्मचारियों की उस व्यवस्था से है जो निश्चित किए हुए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य और उत्तरदायित्व को बांट कर की जाती है। तो देखिए वही बात जो हमने पहले की है, प्रशासनिक अधिकारों के तहत, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत जो अर्थ प्रशासन इसका जो है संगठन का अर्थ निकाला है उसी की बात यहाँ पर ये तीनों परिभाषा कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों अभी तक का क्लियर हो चुका आपको, संगठन का पूरा अर्थ क्लियर हो चुका है और संगठन की परिभाषाएं भी आपको समझ आ रही है। संगठन की परिभाषाएं ये देने का मेरा तात्पर्य होता है कि एग्जाम तक दोस्तों कम से कम एक या दो की परिभाषाएं आपको याद होनी ही चाहिए ताकि आप एग्जाम्पल के तौर पर, या अगर नहीं भी पूछे तो एग्जाम अर्थ के साथ में एग्जाम्पल के तौर में आप जो है परिभाषाओं का इस्तेमाल कर सके। तो हर एक टॉपिक पे दोस्तों एक या दो परिभाषा आपको याद रखनी ही रखनी है, विशेष बात याद रखिए इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों हम संगठन के आधार, जो कि इंपॉर्टेंट पक्ष है इस पूरे लेक्चर का, संगठन के आधार। तो संगठन के आधार के अंतर्गत दोस्तों हम इसे चार पार्टों में कवर करेंगे, चार पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसका एक आधार देखेंगे जो कि लाभ का आधार है, उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे क्षेत्र का आधार, फिर कार्य का आधार और फिर प्रक्रिया का आधार। मतलब क्या हुआ इसका कि संगठन जो पूरा बनाया जा रहा है, संगठन जो बनाया जा रहा है दोस्तों, तो ये एक लाभ के आधार पर बनाया जाता है, क्षेत्र के आधार पर भी बनाया जाता है, कार्यों के आधार पर भी बनाया जाता है और साथ ही साथ प्रक्रियाओं के आधार पर भी बनाया जाता है, ठीक है। तो किस किस क्या क्या जो आधार है, ये चारों आधार, लाभ, क्षेत्र, कार्य और प्रक्रिया, ये जो चार आधार है संगठन के, तो ये किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, जरा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों हम बीए तो कर रहे हैं, बीए का लेक्चर तो ले रहे हैं, परंतु हम इसमें पूरा यूपीएससी फोकस करके चलते हैं। इसी कारण से दोस्तों आपको प्रत्येक टॉपिक पूरा डिटेल में यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है,
ठीक है। चलिए संगठन के आधार के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे लाभ का आधार। लाभ का आधार, तो लाभ के आधार के अंतर्गत, लाभ के आधार के अंतर्गत जरा दोस्तों पहले आप स्लाइड को पढ़िए, उसके बाद में इसको व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा जिससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, लाभ आधारित संगठन में प्रशासनिक संगठन का निर्माण उन व्यक्तियों को आधार मानकर किया जाता है जिन्हें लाभ देना है। तो दोस्तों यहां पर समझिए जरा कि लाभ का आधार मतलब क्या है। कि देखिए, प्रशासन के अंतर्गत जो भी संगठन की हम बात कर रहे हैं, ये संगठन की बात दोस्तों हम प्रशासन के अंदर कर रहे हैं, हमारे सरकार के अंतर्गत कर रहे हैं, जहां सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन बनाया जाता है, ठीक है, कुछ कार्य, विशेष कार्य को करने के लिए, है ना। तो उस कार्य के, देखिए, जब भी सरकार कोई एक संगठन बनाती है कर्मचारियों का या अधिकारियों को सबको मिला करके जब संगठन बनाती है तो काय के लिए बनाती है दोस्तों, तो उनके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। तो वो उद्देश्य किस आधार पर, वो उद्देश्य बने, मतलब कौन से आधार के वो उद्देश्य है, उसी का दोस्तों हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो एक लाभ का आधार की अगर जब हम बात करेंगे, लाभ के आधार की, तो लाभ के आधार पर जो संगठन बनाए जाते हैं अधिकारी और कर्मचारियों के, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि के समाज के कौन से व्यक्तियों को, समाज के कौन से व्यक्तियों को लाभ देना है, अर्थात कि कौन से व्यक्ति ऐसे पिछड़े हुए हैं जिनको लाभ की अति आवश्यकता है, तो उनको, विशेष उन्हीं व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई जाती है, जैसे आदिम जाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक आयोग, इस प्रकार के कुछ विभाग बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, और इन विभागों में ही इन कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाती है, और फिर ये पूरे अपने कार्यकाल में इन्हीं से संबंधित कार्य करते रहते हैं, और इन्हीं लोगों को, जो व्यक्ति समाज में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए होते हैं, उनको लाभ पहुंचाते रहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे अब क्षेत्र का आधार। तो क्षेत्र का आधार क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भाई, तो ये क्षेत्र का आधार क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से हमने लाभ पहुंचाने के लिए, कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ संगठन बनाए थे, उसी प्रकार से या क्षेत्र के आधार पर भी वही हो जाएगा दोस्तों, कि क्षेत्र, कोई क्षेत्र विशेष, अब यहां व्यक्तियों पर फोकस न करते हुए पूरे क्षेत्र को देखा जाता है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उसको ऊपर उठाना है, तो उसके विकास के लिए ही दोस्तों कुछ विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं की स्थापना की जाती है, जिससे उस पूरे क्षेत्र को सिद्ध किया जा सके। क्लियर हो पा रहा है ना? चलिए अब हम दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट और बात करेंगे लोक प्रशासन में संगठन का महत्व। लोक प्रशासन में संगठन का महत्व, दोस्तों स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई शायद, है ना, देख लेते हैं एक मिनट। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, ये तीन और चार पॉइंट यहाँ पर है, और ये लास्ट कंटिन्यूसली हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों कार्यों का आधार। तो ये कार्य का आधार क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्य का आधार, कार्यों के आधार के अंतर्गत इन संगठनों को कार्य के आधार पर संगठित किया जाता है। जैसे कार्यों के आधार पर संगठन उन कार्यों के आधार पर बनाए जाते हैं जो प्रशासन करता है ना। जैसे देखिए दोस्तों कि जो कर्मचारी या अधिकारी है, सब अलग अलग कार्यों के लिए जाने जाते हैं, और सभी की नियुक्ति भी जो होती है वो कार्यों के अनुसार होती है। कि कोई जैसे आईएएस अधिकारी है, तो दोस्तों उनका कार्य जो होगा पूरे जिले को मैनेज करना हो जाएगा, पूरे जिले को संभालना हो जाएगा। आईपीएस अधिकारी है, तो दोस्तों वो भी जिले के अंतर्गत रहेंगे, लेकिन दोस्तों वो जो है प्रशासनिक विभाग को ही संभालेंगे मात्र, जो भी आपराधिक प्रक्रियाएं हो रही है उनके से संबंधित ही कार्य करेंगे वो। तो सबका एक अलग अलग विभाग होता है, तो विभाग के अनुसार कुछ कर्मचारियों को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि हमने दोस्तों इसके अर्थ में पढ़ा था कि कुछ कर्मचारियों को कार्यों के आधार पर अधिकार और उत्तरदायित्व देकर के अलग कर दिया जाता है, और उनको अलग कार्य, पूरा एक कार्य अलग सौंप दिया जाता है, ठीक है ना। तो कार्यों के आधार पर भी इनका, इनको अर्थात इन अधिकारियों को संगठित किया जाता है। जैसे कि डाक तार विभाग, दोस्तों जो डाक विभाग है हमारा, तो डाक विभाग में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, तो उनका एक अलग ही स्पेशल कार्य है। अब डाक विभाग वाले रेलवे का काम करने तो जाएंगे नहीं, या पुलिस प्रशासन का काम तो करेंगे नहीं, वो सिर्फ डाक से संबंधित कार्य ही करेंगे। जैसे प्रतिरक्षा विभाग, अब दोस्तों प्रतिरक्षा विभाग को आकर आप बोलिए कि आप मेडिकल का कार्य कीजिए, या फिर आप जो है यहाँ डाक तार विभाग का कार्य कीजिए, है ना, वो है ना, ये कार्य तो करेंगे नहीं। तो सबके लिए अलग अलग कार्य जो है निश्चित कर दिए जाते हैं, इसी को बोलते हैं कि कार्यों के आधार पर भी संगठन बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों प्रक्रिया का आधार। अब प्रक्रिया का आधार क्या हो जाएगा? प्रक्रिया का आधार, प्रक्रिया के आधार पर संगठन बनाना, प्रक्रिया के आधार पर अधिकारियों को संगठित करना। तो प्रक्रिया के आधार पर, तकनीकी कुशलताओं के आधार पर प्रशासनिक संगठन का निर्माण किया जाता है। यह तकनीकी कुशलता किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों प्रक्रिया के आधार के अंतर्गत हो जाएगा कि जो संगठन बनाया जा रहा है अधिकारियों या कर्मचारियों
कर्मचारियों का या इन दोनों को मिला करके जो भी संगठन बनाया जा रहा है वो उनकी कुशलताओं के आधार पर, तकनीकी कुशलता हो सकती है, उनकी योग्यता हो सकती है, तो दोस्तों तकनीकी कुशलताओं के आधार पर उनको संगठित किया जाएगा एक विशेष टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर मूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट पर मूव करेंगे संगठन की विशेषताएं। दोस्तों थोड़ा सा यहां पर एक कुछ मिस्टेक हो रही है स्लाइड में, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। एक मिनट लगेगा। ओके, संगठन के आधार कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। उसके बाद लोक प्रशासन में महत्व, 5 नंबर पॉइंट आ गया। दोस्तों ये सबसे लास्ट वाली स्लाइड है जो बीच में आ चुकी है, तो चलिए पहले हम इसको 4 नंबर पॉइंट को हम कंप्लीट करेंगे, संगठन की विशेषताएं। ठीक है ना, तो दोस्तों अभी तक हमने देखा संगठन का अर्थ, उसके बाद हमने देखा संगठन की परिभाषा, उसके बाद हमने देखा संगठन के आधार। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 पॉइंट और बचे जिसमें अब चौथे पॉइंट पर हम बात करेंगे संगठन की विशेषताओं पर। संगठन की विशेषताओं के अंतर्गत दोस्तों इसकी अगर विशेषताओं पर को हम फोकस करें तो कुछ विशेषताएं हैं और इसी सामान्य रूप से ही दोस्तों आपको याद रखना है, और जितने सामान्य रूप से आप लिखेंगे भी ना तो भी आपका बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। व्यवहारिक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों एग्जाम के अंदर, व्यवहारिक शब्दों का। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे व्यवहारिक हो जाए, पूरे व्यवहारिक भी नहीं होना है, व्यवहारिक शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना है, परंतु पूरे एक पूरे जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज होती है हमारे दोस्तों उसके साथ में, ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ में। ठीक है ना, संगठन सबसे पहली विशेषता इसकी, संगठन व्यक्तियों का समूह होता है। देखिए दोस्तों विशेषताओं का मतलब क्या होता है, देखिए विशेषताओं में पक्ष और विपक्ष दोनों बातों का समाहित होती है। ठीक है ना, पक्ष और विपक्ष दोनों बातें समाहित होती है किसे, विशेषताओं के अंतर्गत। लेकिन जब हम बात करते हैं महत्व की तो दोस्तों महत्व में सिर्फ और सिर्फ पक्ष होते हैं, इस बात को विशेष अपने दिमाग में बिठा लेना। तो विशेषताओं के अंतर्गत हम देख रहे हैं पहला पॉइंट कि संगठन जो है व्यक्तियों का एक समूह होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हो सकता है भाई 2 से अधिक जितने व्यक्तियों का एक समूह बना दिया तो वो भी एक संगठन होगा, 100 व्यक्तियों का समूह है तो वो भी एक संगठन होगा, 1 लाख व्यक्तियों का समूह है तो वो भी एक संगठन होगा, है ना। संगठन में सदस्य संगठित होकर कार्य करते हैं, बिल्कुल इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। संगठन समूह को उसके उत्तरदायित्व को बताता है, भाई संगठन जो है, जो समूह है उसको उत्तरदायित्व बताता है। तो पूरा संगठन, जिस संगठन में जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं संगठित होकर के, उनको अपने अपने उत्तरदायित्व याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि समूह उसको या संगठन उसको बार बार बताता रहता है। संगठन एक विचारधारा है, जी हाँ संगठन बिल्कुल एक सिर्फ विचारधारा है बस। संगठन सदस्यों में संबंध स्थापित करके रखता है, भाई सबको एक संगठित करके रखता है। संगठन बनाया क्यों जाता है, ताकि सब अब मिलजुल कर आपस में एक अच्छी भावना के साथ में लक्ष्यों की प्राप्ति की भावना से कार्य कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, संगठन समूह में कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व स्थायित्व प्रदान करता है। तो भाई जो संगठन है, अगर कुछ व्यक्तियों का संगठन बना दिया जाएगा तो संगठित होकर के व्यक्ति अपने कर्तव्य अनुसार, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने उत्तरदायित्व के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। इस प्रकार से उनका उत्तरदायित्व कार्य में जो है एक स्थायित्व आ जाता है। क्या? तो संगठन में श्रम विभाजन, अधिकार तथा दायित्वों के विभाजन आदि का नियोजन भी किया जाता है। संगठन निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है ना, जो भी संगठन के उद्देश्य, संस्था के जो उद्देश्य है, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन बनाया गया है उनको प्राप्त करने में संगठन सहायता करता है। संगठन अधिकारों के क्षेत्र का निर्धारण करता है। ठीक है, संगठन प्रबंध का यंत्र है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों अगर संगठन होगा तो प्रत्येक कार्य एक नियोजित कार्य हो जाएगा, प्रत्येक कार्य एक पूरे नियोजित जो नियम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स में अर्थात नियमों में बन जाएगा और नियम अनुसार ही वो कार्य संपन्न होगा। अगर संगठित होगा तो, संगठन होगा तो व्यक्ति होगा। ठीक है, क्योंकि प्रबंध के बिना मैनेजमेंट के दोस्तों कोई भी कार्य व्यवस्थित ढंग से संभव नहीं है कि कोई कार्य बिना मैनेजमेंट के व्यवस्थित रूप से हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम, आप स्टडी के अंतर्गत ही दोस्तों अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, ताकि आपका पूरा समय पूरा प्रबंधित हो जाए, पूरा मैनेज हो जाए। ठीक है ना, तो इसी हेतु दोस्तों बार बार आपको शिक्षक भी यही बोलते हैं कि अपना टाइम टेबल बनाइए, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाइए। तो यही कारण होता है दोस्तों कि एक टाइम के अंतर्गत बनकर अपने आप को, अगर अपने जीवन को मैनेज कर ले तो आपके सभी कार्य दोस्तों व्यवस्थित रूप से होते रहेंगे।
ठीक है। तो दोस्तों इसी के बाद में एक लास्ट पॉइंट हमारा और बच रहा है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लोक प्रशासन में लोग दोस्तों जब आप टेलीग्राम पर ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप टेंशन ना ले, इसको मैं ठीक करवा दूंगा अभी, ठीक है ना। इसको ठीक करवाने के बाद ही मैं अपलोड करवाऊंगा, है ना, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा लोक प्रशासन में संगठन का महत्व। लोक प्रशासन में संगठन का महत्व क्या है? तो देखिए वर्तमान में समाज को संगठनात्मक समाज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कितने व्यवहारिक शब्द हैं, आप खुद सोचिए, अगर इनको आप पढ़ते भी है ना तो पढ़ते ही आपको पूरा दिमाग में फिट होते चले जाएंगे, इसमें कुछ समझाने जैसे कोई बात चीज नहीं है। अगर आप संगठन का अर्थ समझ चुके हैं तो अब आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। यहाँ पर देखिए वर्तमान में भाई पूरी समाज को संगठनात्मक समाज के नाम से जाना जाता है। भाई जो समाज है किन आधार पर संगठित होती है? देखिए किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की बाहर जाकर जो पहचान होती है वो अपने समाज के नाम पर होती है, संगठन के नाम से होती है। भाई किस समाज, किस संगठन से आता है ये व्यक्ति, है ना। तो आज पूरा समाज, आज पूरा विश्व का समाज ही हो चुका है दोस्तों, संगठित हो चुका है और संगठनात्मक समाज के नाम से ही उनको जाना जाता है। आज हम संगठन मानव के युग में जी रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति दोस्तों अकेला नहीं जी सकता, उसे कुछ लोगों के साथ संगठित होकर ही जीना पड़ता है। आज हम व्यक्तियों को पहचानने के लिए यह देखते हैं कि हम कि वह किस संगठन के सदस्य है। किसी भी व्यक्ति को हम पहचानते किस संगठन से पहचानते दोस्तों, कि किस जाति, मतलब कि किस संगठन, किस समाज से, किस जाति से। तो ये जाति क्या है दोस्तों, ये भी तो एक संगठन है, है ना। एक सोसाइटी होती है पूरी, वो भी एक संगठन होती है, ठीक है ना। तो शिथिल और नियोजित संगठन प्रशासन के लिए छह रोग से कम नहीं है, समझिए दोस्तों। ये नियोजित नहीं दोस्तों, अनियोजित है ये, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो शिथिल और अनियोजित कोई भी संगठन, अगर कोई संगठन अनियोजित है, जो प्रबंधित, सही तरीके से प्रबंधित नहीं है, मैनेज्ड नहीं है, तो वो संगठन दोस्तों एक रोग के समान है, छह रोग के समान है, जो उचित उपचार ना होने पर उसके जीवन का अंत करके ही दम लेगा, है ना। बिना प्रभावशाली संगठन के लोक प्रशासन असंभव है। तो अगर लोक प्रशासन अर्थात सरकारी तंत्र को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना है दोस्तों, तो उसके संगठन भी मजबूत होने चाहिए, उनका संगठन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से नियोजित होने चाहिए, है ना। तो उसके अलावा दोस्तों आधुनिक युग में संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आधुनिक युग में संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। भाई देखिए संगठन बनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि संगठन के अंदर मैनेजमेंट बहुत प्यारा मिलता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। और क्यों होता है? जैसे मान लेते हैं कि 20 लोगों का एक संगठन है, अब उसमें अगर एक व्यक्ति कुछ रूल्स को तोड़ता है तो बाकी के जो लोग हैं, जो उसके टच में है, वो उसे उन नियमों को तोड़ने से रोकेंगे, है ना। इस प्रकार से पूरे संगठन पूरा बहुत अच्छे से प्रबंधित रहता है और पूरे नियमों का पालन भी होता है ना, क्योंकि नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन का निर्माण किया जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। सफल प्रबंधन के कारण ही व्यक्ति मिलजुल कर उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। और अंत में ये कह सकते हैं कि संगठन प्रशासन की पूर्व प्रक्रिया है, पूर्व क्रिया है। देखिए संगठन क्या है दोस्तों, संगठन किसी भी कार्य को करने से पहले बनाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं कि इस कार्य चल रहा है और बीच में संगठन बना लिया गया है, या कार्य खत्म हो गया उसके बाद संगठन बनेगा। भाई संगठन बनेगा कार्य को प्रारंभ करने से पहले, तो इसीलिए कहा गया कि ये संगठन जो है, ये संगठन प्रशासन की पूर्व क्रिया है। पूर्व क्रिया किसी कार्य को करने से पहले की क्रिया है, पहले का कार्य है। तो संगठन के बिना किसी भी प्रकार के प्रशासन का अस्तित्व संभव नहीं है दोस्तों। तो अगर संगठन नहीं है सरकार में, आप कुछ समझते हैं ना, सरकार कैसे कार्य करती है दोस्तों, सरकार संगठित होकर ही कार्य करती है, संगठन बनाती है छोटे, कुछ अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग विभागों के रूप में संगठन बना देती है, और वो विभाग अपने अपने कार्य में लिप्त हो जाते हैं, अपने अपने कार्यों को करते रहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये आज 5 पॉइंट क्लियर किए हैं संगठन से संबंधित, लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन से संबंधित, जिसमें हमारे कंप्लीट 5 पॉइंट हो चुके हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोक प्रशासन का एक सामान्य जो परिचय होता है उससे अवगत हो चुके हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे संगठन के सिद्धांत और समस्याओं के बारे में, कि संगठन के कौन कौन से सिद्धांत है। जिस प्रकार से हमने आज दोस्तों इसके व्यवहारिक पक्षों पर ध्यान दिया था, जिसके अंतर्गत हमने इसके आधार देखे थे, 4 आधार देखे थे, है ना। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट में जो दोस्तों हम बात करेंगे वो इसके सिद्धांतों पर बात करेंगे, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है संगठन के अंतर्गत। तो संगठन को कंप्लीट करना है दोस्तों, संगठन के सिद्धांत को पढ़ना बहुत आवश्यक है, और उन सिद्धांतों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी समस्याएं हैं, उन पर भी हमारा एक फोकस होगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे संगठन के सिद्धांतों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये लिंक जो दोस्तों आ रही है, इस लिंक को देखकर कॉपी करके भी आप हमारे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी डेली क्लासेस की नोट्स और डेली क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।